हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। टुडे वी डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाबू, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सभी चीज को देख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट शुरू से मेरा क्लास ये नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास आप अवश्य देख लीजिए, तो आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाबू, फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, ए प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स that an event or action happening in simplest form in present time is called simple present tense। देखो बाबू, सिंपल सा डेफिनेशन है, ए प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स दैट एन इवेंट और एक्शन हैपनिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट मींस होता है वैसा वर्तमान काल जिससे वर्तमान समय में सामान्य स्थिति में किसी कार्य के, किसी घटना या कार्य के होने का बोध होता है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, तो बाबू आप लोग की डेफिनेशन अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ कलम कॉपी लेके साथ बैठिए और उसको लिखते चलिएगा, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पर आप कहीं भी टाइम एंड टेंस सर्च करके देख सकते हो, कहीं डेफिनेशन सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे पढ़ाई नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं वो आप कंटिन्यू, और भरोसा रखिए क्लास ट्वेल्थ की तैयारी तो यहाँ हो ही जाएगी, साथ साथ जितना कंपटीशन में इंग्लिश पूछेगा चाहे जो भी कंपटीशन का सभी चीज की तैयारी हो जाएगी। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन आप लोग समझ गए। फिर से हिंदी बोल देते हैं, वैसा वर्तमान काल जिससे वर्तमान समय में सामान्य स्थिति में किसी घटना या कार्य के होने का बोध होता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, अब बाबू हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग चौंके क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रकार होता है, ठीक है ना। तो आज तक नहीं पढ़ी वो अलग बात है, आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे देयर आर ट्यू टाइप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो प्रकार होते हैं। ओके, चलो दो प्रकार बताने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा, बताऊंगा नहीं आप लोग से पूछूंगा। अच्छा ये बताए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो और नाम हम बताए थे, जिनको जिनको याद है वो प्लीज कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन होता है बाबू, देख लो पहला कौन होता है। पहला होता है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है बाबू नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट
टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं बाबू, वो पहला एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप तो पढ़ते ही नहीं, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला नंबर लिखेंगे आप लोग एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाबू हम लोग सबसे पहले जानेंगे कार्य सूचक सामान्य वर्तमान का। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है कार्य सूचक सामान्य वर्तमान का। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको डिफाइन कर सकते हैं ए सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो बाबू सिंपल सा डेफिनेशन है, ए सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी वैसा सामान्य वर्तमान काल जिससे कार्य, एक्शन मीन्स बाबू होता है कार्य, कार्य का बोध होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, अब देखो बाबू आपके मन में होगा एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ेंगे, तो पहले इसका फॉर्म पढ़ते हैं बाबू। इसका भी दो फॉर्म होता है, आप लोगों के सच में, हाँ सच में दो फॉर्म होते हैं एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के। कितने फॉर्म होते हैं बाबू? दो फॉर्म होते हैं। देखो कौन कौन सा फॉर्म होते हैं, लिखो आप लोग। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाबू एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पहला आप लोग लिखोगे एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, और दूसरा होगा पैसिव फॉर्म। दूसरा क्या होगा बाबू? पैसिव फॉर्म। यानी एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं, पहला होता है एक्टिव फॉर्म, दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। अब देखो बाबू हम लोग सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे किस पे, एक्टिव फॉर्म पर। तो आप लोग एक्टिव फॉर्म लिख के डैश दो, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, ठीक है ना? चलो बाबू एक्टिव फॉर्म पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, क्या मैं आपको इतना डीपली जो टेंस पढ़ा रहा हूं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, आप लोग का व्यू मेरे अनुसार अच्छी खासी आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को पढ़ाने में, आप लोग का समर्थन भी मिल रहा है, लाइक भी मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है। आपको ये बताना है, क्या मैं ईमानदारी पूर्वक पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो अपनी ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आपको ये बताना है इतना जो मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ आप लोग के लिए क्या अच्छा मेरा कार्य है या नहीं, कमेंट करके आप बस बताइएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव फॉर्म पर देख रहे हैं बाबू। एक्टिव फॉर्म देखिए क्या है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार के होते हैं, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं, पहला एक्टिव फॉर्म, दूसरा पैसिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म किसको कहते हैं? देखो बाबू इसमें सिंपल सा आप याद रखना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती प्लस है हैं हो और हूं। फिर से समझ लो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती प्लस हैं हूं लगा रहता है, लगा रहता है तो उसे एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती प्लस है हो हूं लगा रहता है तो उसे एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म कहते हैं। ओके, आप लोग को समझ में आया? तो कोई भी जैसे हिंदी वाक्य है, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जांपल में देख लो बाबू, वह पढ़ता है। अब गौर से देखो यहां क्या लगा हुआ है, ता और है, मिल गया ना। तो देखो वह पढ़ता है तो इसका मतलब ये एक्टिव फॉर्म है। किसका एक्टिव फॉर्म है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी किसका? एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चाहे कोई भी वाक्य हो, जैसे क्या वे लोग खाते हैं। देखो बाबू यहां क्या लगा हुआ, ते और हैं, तो ते ही मिला, इसका मतलब ये भी एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म किसका होगा? एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब बताओ ये पहचानना आसान है या नहीं है? ओके, है या नहीं है कमेंट में बताना है। सब जो मैं पूछता हूं उसको कमेंट में रिप्लाई जरूर करो, जिससे मुझे मजा आए। जब नेक्स्ट वीडियो में बनाने के लिए आऊं तो मुझ में लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और उसका रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना। ओके, ये आपका कमेंट जो होता है ना, मुझे और पढ़ाने का ललक जगाएगा। ओके, और मैं आपको कहता हूं ना, बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। इतना डीपली आपको यही लग गया होगा, आज मैं बेसिक कुछ पढ़ाया आपको लग गया होगा, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रकार होता है? अरे भाई होता है, मैंने लिखा है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट। अब कहोगे चलिए सर मान लेते हैं, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस समझे, जिससे काम का बोध होता है, क्या एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है? होता है, एक एक्टिव फॉर्म होता है, एक पैसिव फॉर्म होता है। अरे सर आज तक तो कोई पढ़ाया ही नहीं है, यही कहोगे ना। अरे बाबू सब पढ़ाते हैं लेकिन बताते नहीं है, पढ़ाते तो सभी टीचर हैं ये तो मैं कहता हूं, लेकिन वो खुद नहीं बताते हैं क्या मैं यही पढ़ा, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, आपको क्या बताएंगे? क्या समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो बाबू, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ता है लगा रहेगा या ते ही लगा रहेगा, तो आप समझ जाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक्टिव फॉर्म। अब कहोगे सर इसको हम बनाएंगे कैसे? तो अब इसको बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर पर जाना होगा। अब हम लोग एक्टिव फॉर्म के अंतर्गत जितना स्ट्रक्चर होता है वो सभी समझेंगे। ओके, तो जो अभी तक नहीं उतारे थोड़ा उतार लीजिए तेजी से, मैं इसको मिटा लेता हूं। देखो बाबू जो मेरे YouTube पर क्लास कर रहे हो, ईमानदारी पूर्वक आप लोग को कहता हूं, मैं तो पूरा ईमानदारी से आप लोग को पढ़ाऊंगा ही, आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठिए, मैं आपको बीच धार में नहीं छोड़ने वाला हूं, पूरा पढ़ाऊंगा, क्लास 12th का एक एक चीज पढ़ाऊंगा। कल फ्राइडे है, ओके, तो कल मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, लाइव क्लास। आपका लाइव क्लास का टाइम आएगा कितना बजे? 6:00, ठीक है। 9 बजे जो मैं लाइव आऊंगा, वो क्लास 12th जो वर्तमान में जो एग्जाम चल रहा है उसका मैं लाइव आता हूँ,
कल क्लास 12th जो 24-25 के लिए उनका लाइव आऊंगा और मैं पहला पोएम आप लोग को पढ़ाऊंगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे। तो जो स्टूडेंट्स कल फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बुक पढ़ाऊंगा आप लोग याद रखना, तो कल मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा इस सेशन में आप लोग के बैच में, ठीक है ना। वो लाइव सेशन होगी और उसमें हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे, सभी स्टूडेंट बातचीत करेंगे क्लास 12th के लिए, और कल का टॉपिक मेरा होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे। तो जो स्टूडेंट आप मेरा ये सेशन देख रहे हैं क्लास 12th के, तो कल 6 PM में आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ लाइव क्लास अटेंड करना है, और हम लोग पहला बुक का पोएम पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे। चलो बाबू हम इसको मिटाते हैं, एक्टिव फॉर्म को नहीं मिटाएंगे, इससे ऊपर मैं पूरा सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। कल का लाइव सेशन काफी महत्वपूर्ण है, कोई अब्सेंट नहीं करिएगा। जितने आपके फ्रेंड सर्किल में हैं सभी को बता दीजिएगा कि कल लाइव सेशन है, आप लोग को यहाँ आना है, ठीक है। मैं वो लिंक मेरे सुंदरम एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, ओके। और आज 9 बजे लाइव आऊंगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये 2 चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, लगभग 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, लाइव डिस्कशन होगी। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहेंगे आज 9 बजे रात में जुड़ सकते हैं। तो चलो बाबू अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर 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 में पहला जो स्ट्रक्चर होगा बाबू, हम लोग जो पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा पहला स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को किसको बोलते हैं, इसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, ये बाबू आपका सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें निगेटिव ना क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता उसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ओके। देखो बाबू सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस IO PO CO प्लस DO प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। अब आप लोग के मन में कंफ्यूजन होगा सर आईओ पीओ सीओ क्या है, आईओ पहला बार नाम सुने हैं, पीओ ये भी पहला बार नाम सुने हैं, और सीओ ये भी मैं पहला बार नाम सुना हूं, ये बोलोगे। चलिए मैं तीनों आपको समझाता हूं। देखो आईओ मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कहोगे हाँ सर ये तो नाम मैंने सुना ही होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पीओ मतलब होता है बाबू प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और सीओ मतलब होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो कहोगे सर डीओ क्या है, तो बाबू डीओ मीन्स होता है डीओ, यहां लिख देता हूं, डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कहोगे सर कंप्लीमेंट सीओएमपी, सीओएमपी मतलब कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट, ये सब याद रखना। और एस का मतलब बाबू क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, ये तो आप लोग जानते हो, V1 V5 ये तो क्रिया है। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिससे व्यक्ति का बोध होगा ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस इतना ही याद रखना है, व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के पीछे प्रेपोजिशन आ जाएगा, फिर से सुन लो,
जिस ऑब्जेक्ट के पीछे प्रेपोजिशन आ जाएगा उसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, कॉग्निट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट जो क्रिया यानी वर्ब को विशेषता बतलाने लगे, जो क्रिया वर्ब को विशेषता बतलाता है, जो क्रिया वर्ब को विशेषता बतलाता है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म वर्ब की विशेषता बतलाता है, जो कर्म वर्ब की विशेषता बतलाता है उसको हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसे वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है ना, वैसे वर्ब को विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी वैसा एडवर्ब जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है उसको हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इतना समझ लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वर्ब याद रखना, ये वस्तु को निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, वस्तु को। और कंप्लीमेंट का हिंदी होता पूरक, यानी जो एक्स्ट्रा चला आता है वाक को पूरा करने के लिए उसको कहते हैं पूरक, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक। चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा था वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, देखो बाबू ता और है लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ता और है, पढ़ता है यानी ये एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म और इसमें कोई कुछ लगा ही नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखना, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा। अब देखो बाबू यहाँ भी वन या भी फाइव है, तो अब ये बताओ ही तो हम लोग बचपन से ही पढ़े, ये सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो आपको याद रखना है भी वन जो होता है वो प्लुरल होता है, अब भी फाइव जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब बताओ ये है सिंगुलर, अगर मैं यहां भी वन रख दूं, ये सिंगुलर अब भी वन प्लुरल है, मेल खाएगा, बेमेल हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, तो हर हमेशा मेल को ही रखना है, मेल जो खाएगा, मेल मतलब पुरुष वाला मेल, मेल मतलब संभालता, यानी ये सिंगुलर है तो भी वन या भी फाइव में सिंगुलर कौन है, भी फाइव, यानी हमको यहाँ भी फाइव रखना है। तो बाबू यहाँ पढ़ना वर्ब है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, और रीड को भी फाइव बनाने के लिए हम पिछले क्लास में सिखा चुके थे, इसमें सिर्फ क्या लगाना है, एस, हो गया ही रीड्स, आगे तो कुछ है नहीं, आईओपीओसी है नहीं, ट्रांसलेशन बन गया, वह पढ़ता है, ही रीड्स, समझ में आया। नेक्स्ट, वह खेलता है, जल्दी से कमेंट करिए, तो इसका क्या होगा, कमेंट सभी का आना चाहिए, वह खेलता है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तेजी से, इसका हो जाएगा वह का अंग्रेजी, ही प्लेज, हो गए सर प्लेज क्यों लिखे, तो खुद का सब तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब होता है भी फाइव, और भी फाइव में एस लगा रहता है, ही प्लेज, देखो आसान हो गया ना, लेकिन अब प्लुरल लेते हैं, जैसे वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, अब देखो बाबू खेला हो गया, बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, वे लोग का बाबू क्या होता है अंग्रेजी, दे, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है, चलो दे सिंगुलर है या प्लुरल, तो कहोगे सर प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वह भी प्लुरल होगा ये, अब प्लुरल वर्ब क्या होता है, तो कहोगे सर अभी तो आप ही बताए भी वन होता है, भी वन, तो वर्ब जो हम लिखते हैं खेलना का अंग्रेजी प्ले, वो खुद भी वन ही है, तो कुछ नहीं करना है, यहां लिख दो प्ले। अब कोई इसमें से पूछेगा सर ई जारम तो लगाइए नहीं रे, तो बाबू स्ट्रक्चर में मैंने ई जारम लिखा है, नहीं लिखा है तो नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कहां ई जारम आएगी मैं आगे चल के बताऊंगा। अब आपको बताना है यहां तक समझ में आया, इससे आगे भी मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन क्लास काफी लंबा हो गया, एक बार मैं बर्थडे नहीं देना चाहता हूँ, कल मैं बाबू इससे अगला स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा, कल का जो स्ट्रक्चर होगा वो निगेटिव सेंटेंस का होगा, निगेटिव सेंटेंस, तो कल नहीं ये मंडे से पढ़ाई होगी इसकी, निगेटिव सेंटेंस का ग्रामर फिर मंडे को ना पढ़ाएंगे, कल तो आपका लाइव क्लास है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का, तो जुड़ना है, बहुत मजेदार ढंग से पढ़ाऊंगा लाइव क्लास भी,
ठीक है ना। तो कल लाइव क्लास जो जो आएंगे थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन लाइव क्लास मेरे साथ 6 PM 6 बजे करने के लिए उत्सुक है, ठीक है ना। अगर 6 बजे टाइम नहीं मिल रही है तो कमेंट करिएगा, जिसका कमेंट जो समय में आएगा मैं वो करूंगा, लेकिन 9 PM में मत करना। 9 PM क्लास 12th का बैच रिजर्व है जिसका एग्जाम होने वाली है, उसको मैं प्रत्येक दिन 9 PM में लाइव आता हूँ। आप लोग भी रिविजन के लिए आ सकते हो, क्वेश्चन सुन सकते हो, तो लाइव क्लास आ जाओ तुम लोग भी 9 PM में, टाइम है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी पढ़ो फिर तुम लोग को लेंगे अगले सेशन में। ओके, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ईमानदारी पूर्वक बताना, अगर अच्छा लग गया ना तो एक लाइक तो बता दबा दो और कम से कम अपने दोस्तों को भेज दो, इससे हमें मोटी मिलेगी, ठीक है ना। अपने सभी फ्रेंड को भेजो, को आ जाओ यूट्यूब पर, इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ना है, इंग्लिश सिर्फ यहां पढ़ना है, ठीक है ना। मैं सभी चीज उपलब्ध आपको ऑनलाइन कराऊंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल सुंदरम एकेडमी से जुड़ जाना, ठीक है ना। अगर सुंदरम एकेडमी आप लोग को नहीं मिलेगी तो कमेंट में कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से खोज लेंगे, कहीं भी रहेगा खोज के आप लोग के साथ दे देंगे। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू।